मेरे मेरा अगर सजेशन मांगी मानिए तो जो अभी हम बताने जा रहे हैं उसको पॉलिटी पढ़ने के पहले पढ़ लीजिए, याद नहीं कीजिए बट पढ़ लीजिए। और इवन मेरा एक और सजेशन होगा कि जो सेक्शन अभी हम बताने वाले हैं इसको कंटिन्यू रिवीजन में रखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज बात करेंगे पॉलिटी की, पॉलिटी के शेड्यूल को आपके साथ डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाए। पॉलिटी क्वेश्चन 10-12 आते हैं, लेकिन और पॉलिटी के साथ क्या है, गलत फहमी क्या है कि अक्सर हाँ लगता है कि नहीं पॉलिटी पे तो हमारा खूब कमांड है, लेकिन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिली मिस्टेक की गुंजाइश सबसे अधिक है। आप पॉलिटी के अंदर ब्लंडर कर दोगे और आपको लगेगा आपने सही किया है, ये दिक्कत है। और वो दिक्कत क्यों है? दिक्कत है उसका जो नेचर है और जो पढ़ने का तरीका है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी, पॉलिटी के अंदर हम लोग ना टाइम शेड्यूल सही नहीं करने के कारण एक तो टाइम बहुत बर्बाद कर देते हैं और दूसरा कंफ्यूजन दूर ही नहीं होता है। दोनों चीज को आप ठीक कर सकते हैं जो अभी शेड्यूल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छे से सुन लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, और क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन आपके साथ कर देंगे तो आपको चीजों को मतलब अप्रोच उस सब्जेक्ट पे करना आसान हो जाएगा। ऐसे करके लगभग सारे सब्जेक्ट आपके सामने खोल खोल के रख देंगे ताकि पढ़ाई मुश्किल नहीं मनोरंजक हो जाए, क्योंकि पढ़ाई में आप रिलैक्स कर ही नहीं पाओ या पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन ही नहीं पाया तो फिर मेरा रहना बेकार है। तो इसलिए पढ़ाई इफेक्टिव भी हो और इंटरेस्टिंग भी, ये मकसद है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, संविधान। स्लाइड आ रहा है, देखते चलिए। संविधान, संविधान से रिलेटेड कंटेंट को एक जगह कर लीजिए। उसमें क्या क्या एक जगह करेंगे आप? पहला, संविधान का निर्माण, जो मेकिंग संविधान का है, संविधान सभा बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी टाइप की चीजें एक साथ कर लो। संविधान के प्रीएम्बल को भी देख लीजिए आप, प्रस्तावना भी देख सकते हैं, उसको नहीं होगा अगर चाहो तो उसको आप हटा सकते हो बट इसके अंदर रहने दीजिए। संविधान के फीचर्स, विशेषता से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में तो आता ही आता है, बीपीएससी जेपीएससी जैसे एग्जाम में भी आते हैं। संविधान में संशोधन, अब संविधान है तो संशोधन यही निपटा दो ना लगे हाथ, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन। अब संविधान में संशोधन हुआ है तो टाइप्स ऑफ संशोधन अभी छोड़ दीजिएगा, संशोधन करने का जो तरीका है ना बस वही पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ संशोधन में आएंगे तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसको भी छोड़ दीजिए। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, केस वन भारतीय केस से स्टार्ट हुआ और जुड़ता ही चला गया और जुड़ता ही जा रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर एक बार देख लेना। इमरजेंसी का प्रोविजन, आपातकाल, आपातकाल लागू होता है तो बहुत सारे संविधान के प्रोविजन उस समय सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उसको आप देख सकते हैं। और हिंदी भाषा में संविधान को ट्रांसलेट किया गया है, क्या है प्रोविजन, किस अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को कौन से राइट्स मिले हुए हैं, ये सारा आप देख लो, संविधान का पूरा पैकेज खत्म। तो एक ओवरऑल जो है ना संविधान की समझ, विशेषताएं, इमरजेंसी आप उस, और उसके अंदर अमेंड करना, ये सब हो गया, बेहतर है एक साथ कर लीजिए। दूसरा, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट वन, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, फिर आंध्र प्रदेश और ये सब उसको देख लीजिए। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है ना, पढ़ना होता है, कहीं दूर जाके पढ़ते हो तो दूर नहीं पढ़ना, यहीं पे पढ़ लीजिए। यूनियन टेरिटरी क्यों बना, मकसद क्या था, कितने यूटी है और उसको यहीं पे देख लो। शेड्यूल ट्राइब का जो शेड्यूल एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है उससे रिलेटेड प्रोविजंस उसको देख लीजिए। इतना हो गया स्टेट से रिलेटेड आपके फैक्ट्स एक साथ, स्टेट उसका जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया दोबारा से वो हो गया, यूनियन टेरिटरी, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ये सब हो गया एक साथ कर दिया। उसके बाद नागरिकता साथ में देख लीजिए, सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, यहां के बाद इसको एक बॉक्स में आपने डाल दिया। उसके बाद फंडामेंटल राइट वाला एक बड़ा चैप्टर है, तो फंडामेंटल राइट चूंकि बड़ा चैप्टर है उसको एक साथ कीजिए, साथ में डीपीएसपी के साथ आपको कंपेयर भी पढ़ना पड़ता है,
वो भी उसके साथ कीजिए और तब फंडामेंटल ड्यूटी के साथ इसका एक ग्रुप बना लीजिए। यहां तक हो गया। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पार्लियामेंट्री सरकार, जो हमारे यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, दो हाउस होगा, उसकी फीचर्स हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम उसके फीचर उसी तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी है, उसकी जो विशेषता है उसको भी देख लीजिए। अब यहां के बाद क्या करते हो ना, पार्लियामेंट पढ़ते हो, फिर स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हैं, फिर लोकसभा पढ़ते हैं, फिर वहां जाके पूरा एकदम सारा चीज यहां पढ़ लेते हो, संसद बजट ये सब, और ये सब कुछ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और सब वहां रिपीट करते हैं स्टेट में। क्या जरूरत है टाइम बर्बाद करने का, थोड़े से प्रोविजन अलग हो जाते हैं, आर्टिकल अलग हो जाता है, एक दो पॉइंट अलग होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, हर चीज में बराबर है, सिर्फ ये प्रधानमंत्री है वो मुख्यमंत्री है और कुछ आर्टिकल्स बदल जाता है और बाकी सेम है। जब सेम है तो उसके एक साथ क्यों नहीं, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एज इट इज सेंटर, एज इट इज स्टेट, दोबारा क्यों और उसी साथ क्यों नहीं, तुरंत पढ़ेंगे कुछ जो डिफरेंस है उसको पकड़ लोगे। प्रेसिडेंट गवर्नर लगभग इक्वल है, कुछ अलग है, चार पांच पॉइंट से ज्यादा आपको अलग नहीं दिखेगा, तो वो उसी समय क्यों नहीं, क्यों दोबारा फिर से। ठीक है, तो अब केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार, राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल, राष्ट्रपति की शक्ति राज्यपाल की शक्ति एक साथ कर लीजिए। उपराष्ट्रपति वाला कोई वहां पे उपराज्यपाल का प्रोविजन नहीं है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अकेले पढ़ लीजिए। फिर जब प्रधानमंत्री पढ़िएगा तुरंत मुख्यमंत्री को पढ़ो, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़िएगा केंद्रीय मंत्री परिषद, तुरंत स्टेट में शिफ्ट हो जाइए, फटाफट रिवाइज हो जाएगा मंत्री परिषद वर्सेस मंत्रिमंडल, और ये सेंटर में भी स्टेट में भी एज इट इज, मंत्रिमंडलीय समिति दोनों ही जगह पे। ठीक है, लोकसभा इधर पढ़ो तुरंत राज्यसभा पढ़ लो, इधर लोक इधर सॉरी संसद इधर पढ़िए पार्लियामेंट, और तुरंत स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा विधानमंडल, इधर संसद उधर विधानमंडल, इधर लोकसभा उधर विधानसभा, इधर राज्यसभा उधर विधान परिषद, जहां भी है वो विधान परिषद पढ़ लीजिए, संसद की समितियां पढ़ोगे विधान परिषद की समितियां पढ़ लीजिए, लगभग आपको बराबर मिलेगा। हो गया, तो इससे आप एक बड़ा हिस्सा बचा लोगे, 200-300 पेज आपका कम हो सकता है, 200 तो पक्का कम होना है, तो 200 के आसपास पेज आप कम कर सकते हो किसी भी किताब का, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन दूर, ये सब आपको बोनस में मिलेगा, क्यों नहीं करें। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध, पार्लियामेंट और स्टेट और सेंटर का संबंध है, उसके अंदर लेजिस्लेटिव संबंध है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, फिनेंशियल है, वो एक बार रिलेशनशिप देख लेना है। फिर इंटर स्टेट रिलेशन, अंतरराज्यीय संबंध, जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, इंटर स्टेट काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है, तो इंटर स्टेट काउंसिल अध्यक्ष कौन होते हैं, कैसे फॉर्म होता है, रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, कैसे फॉर्म होता है, इनका काम क्या है, एक साथ निपटा दीजिए, कहानी खत्म। कोर्ट को जब पकड़िए एक साथ पकड़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और साथ में रीट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, साथ में रीट, सुप्रीम कोर्ट के जज, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जज पढ़ो वैसे ही हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज है, रिटायर्ड जज है, हाई कोर्ट को तुरंत, सुप्रीम कोर्ट के पावर, हाई कोर्ट के पावर, रीट सुप्रीम कोर्ट का, रीट हाई कोर्ट का, लगे हाथ खत्म, ऐसे कीजिए। पंचायती राज और नगर निगम एक बंच में डालिए, एक गुच्छा ये होगा, तो पंचायती राज और पंचायती राज के साथ जो पेशा एक्ट है वो आपको पढ़ लेना है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है उसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखेंगे, इसके बाद संवैधानिक निकाय, इसको एक साथ कर लीजिए, संवैधानिक निकाय को, पहला इलेक्शन कमीशन, दूसरा यूपीएससी, तीसरा पीसीएस स्टेट का, चौथा जो ज्वाइंट पीसीएस होता है यूनाइट, मतलब जो उसको कहते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, यूनाइटेड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो अलग अलग स्टेट को ज्वाइंट करके किया जाता है, फिनांस कमीशन, एससी के लिए अलग आयोग है, एसटी के लिए अलग हो गया, ओबीसी के लिए बनाया गया है, इसके अलावा माइनॉरिटीज है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई आधार पे, उनके लिए यहां तक कर लीजिएगा।
इसके बाद कुछ आपको अथॉरिटी आएगी, उस अथॉरिटी को देखना है, लाइक कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। स्टेट के लिए क्या काम है, सेंटर के लिए क्या काम है, सेंटर वाला वो कौन सा काम है कैग का जो सेंटर के लेवल पे नहीं करती है लेकिन स्टेट के लेवल पे उनको करना पड़ता है। भारत के महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, दल बदल अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो राज्य सुनिए, जैसे ही अटॉर्नी जनरल पढ़ोगे ना, ऐसे ही एडवोकेट जनरल तुरंत पढ़ लीजिएगा स्टेट का, एकदम दो मिनट लगेगा खत्म करने में, खत्म। एक बार जैसे पढ़ोगे अच्छा लग रहा है कि अटॉर्नी जनरल ही रिवाइज हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस देख के बंद। ये करना है लगातार। एंटी डिफेक्शन हो गया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आप अब योजना आयोग की जरूरत नहीं है, नीति आयोग को देख लीजिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को देख सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जैसे पढ़ा वैसे ही राज्य मानवाधिकार आयोग को कर लेना है। एक और बात, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग में जो मेंशन नहीं किया गया वो वहीं पे डाल दीजिएगा। वित्त आयोग के साथ राज्य वित्त आयोग भी पढ़ लेना है, यानी केंद्रीय वित्त आयोग के साथ, और सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी पढ़ लीजिएगा, राज्य को एक साथ कर लीजिएगा। हम नीचे आइए, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, सीबीआई को आप कर सकते हो, आप इस कुछ इग्नोर भी कर सकते हैं, चलेगा हल्का फुल्का यहां पे देख लीजिए। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, चुनाव सुधार, जो इलेक्शन रिफॉर्म किया गया 2000 के पहले 2000 के बाद पूछा भी गया है ना, आदर्श आचार संहिता क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या है, एक्स्ट्रा के अंदर उसको डाल सकते हैं। अब जब इतना हो जाए ना, जब इतना हो जाए तब एक बार जब इतना पढ़ लो, मेरा अगर सजेशन मानिए तो जो अभी हम बताने जा रहे हैं उसको पॉलिटी पढ़ने के पहले पढ़ लीजिए, याद नहीं कीजिए बट पढ़ लीजिए। और इवन मेरा एक और सजेशन होगा कि जो सेक्शन अभी हम बताने वाले हैं इसको कंटिन्यू रिविजन में रखिए। जितना दिन पॉलिटी पढ़ोगे ना, एक दिन में तो हो नहीं रहा, जितना दिन पढ़ेंगे इसको एक तो पहले पढ़ लीजिए और उसको लगातार रिवाइज कीजिए, तो ये एक्सलेंट होगा। आपको लगेगा ना इंटायर पॉलिटी आपका रिवाइज हो रहा है, ऐसा फील आएगा। क्या है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट शेड्यूल, अनुच्छेद की जगह शेड्यूल ही होगा, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुसूची जिसको शेड्यूल कहते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट 1, 2, 3, 4 करके, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, महत्वपूर्ण संशोधन। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको ठीक कर देते हैं। तो ये जो गड़बड़ी है इसको मतलब ठीक कर लीजिए, अब तो होगा नहीं ठीक। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट शेड्यूल, इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये पढ़ लोगे स्टार्टिंग में, रिवीजन मोड में डालिए, तब तक पॉलिटी पढ़ते रहिए इसी तरह से, तो आपका इंटायर पॉलिटी बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी, ये सबसे अहम है। करके देखो सूट कर रहा है कि, मिलते हैं अगले वीडियो में।